हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एमजीसीआई फाइटर 2.0 सीरीज, द सीरीज फॉर परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी। बच्चों, इस सीरीज के थ्रू एमजीसीआई ने आपके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिससे आप बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, आई थिंक परफेक्ट स्कोर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि दिस सीरीज इज सफिशियंट फॉर गेनिंग द परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी। और सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, हम आगे आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सीरीज लेकर आएंगे, जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आज मैं आपको नेक्स्ट वाला चैप्टर करवाऊंगी फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, हमारी बॉडी में हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन होना है। ठीक है, जो भी चीज हमारी बॉडी में आई है, ऑक्सीजन आई है, CO2 जिसे हमें बाहर निकालना है, फूड लिया है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, हॉर्मोन्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हमें करवाना है। इवन सिर्फ हमारी ही बॉडी में नहीं, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं, उन सबके बॉडी में जो भी फूड मटेरियल होता है, न्यूट्रिशन होता है, गैसेस हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करवाना जरूरी होता है। और उसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी सर्कुलेशन। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए हमें एक प्रकार के फ्लूइड की जरूरत पड़ती है, और वो फ्लूइड हमारी बॉडी में फ्लो होता है। तो हमारी बॉडी में जो फ्लो होने वाला फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? बॉडी फ्लूइड। क्या कह रहे हैं उस फ्लूइड को? हम बॉडी फ्लूइड कह रहे हैं। और उसी बॉडी फ्लूइड का हमें क्या करवाना है? सर्कुलेशन करवाना है। क्या जरूरत है आपको सर्कुलेशन करवाने की? ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें सर्कुलेशन करवाना जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए और वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, सर्कुलेशन शुड बी डन इन अवर बॉडी। चलिए देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है। इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस शुड बी ट्रांसपोर्टेड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट और गैसेस जो है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन एक सेल से दूसरे सेल में करवाना जरूरी है। ठीक है, फॉर दिस वी रिक्वायर, और इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें किसकी जरूरत है? वी रिक्वायर एन एफिशिएंट मैकेनिज्म। किसकी जरूरत है हमें? एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की जरूरत है, एंड दिस एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज दी सर्कुलेशन। इस एफिशिएंट मैकेनिज्म को हम क्या कह रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज दी सर्कुलेशन। देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर्कुलेशन की, हमें क्या करवा रहे हैं हम सर्कुलेशन करवा के। सर्कुलेशन इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। सेल को गैस ट्रांसपोर्ट करवाना और सेल से गैस को दोबारा ले लेना। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कहां तक करवाना है? सेल तक। और एक्सक्रीटरी वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कहां से करवाना है? सेल से बाहर निकालना है। तो इन चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की जरूरत थी, और उस एफिशिएंट मैकेनिज्म को बच्चों क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज द सर्कुलेशन।
क्लियर हुआ इतना हमें। अब सर्कुलेशन करवाने के लिए या फिर हम कहें ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार का एफिशिएंट मैकेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो एवरी एनिमल हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग प्रकार का सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस पर डिपेंड करता है ये, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म के पास में किस प्रकार का सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार का सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। सी देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट सर्कुलेटरी पाथवे या सिस्टम, सर्कुलेशन के लिए किस प्रकार के पाथवे की या सिस्टम की हमें जरूरत होती है। ठीक, फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं इसमें, जैसे सिंपलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द फाइलम पोरिफेरा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एनिमल किंगडम के सारे एग्जांपल्स यही याद करवा दूंगी, तो मैंने आपको लास्ट टाइम पर याद करवाया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पोरिफेरा के एग्जांपल्स। आई होप आपको याद होंगे। बोलो मेरे साथ में पोरिफेरा के क्या एग्जांपल्स थे, साइकॉन। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था यू स्पॉन्जिया और तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जिला। ठीक है, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला, ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें किस तरीके से सर्कुलेशन होगा, देखो ये ऑर्गेनिज्म होता है ऐसा वास शेप का, गमले के शेप का होता है। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके बॉडी के सरफेस के ऊपर, पोर्स। ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ऑस्टिया। क्या कहा जाता है इसे, ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू अंदर क्या आ रहा है, पानी, वाटर। वाटर अंदर क्या लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड लेकर आ रहा है। कहां से लेकर आ रहा है, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है मैराइन हैबिटेट। ठीक है, मतलब पानी में से ये ऑक्सीजन और वाटर लेकर आ रहा है। वाटर अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएंगे। अब इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है कैविटी। क्या प्रेजेंट होती है इस ऑर्गेनिज्म में, कैविटी। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें एक कैविटी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। क्या नाम है उस कैविटी का, स्पॉन्जोसील। तो मतलब वॉटर जो है वो कहां से आया, वॉटर आया एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेकर आया। ये सारी चीजें पहुंच गई कहां, ऑस्टिया में। ऑस्टिया के बाद में कहां पहुंच गई, स्पॉन्जोसील में। ठीक है, और इसी स्पॉन्जोसील के थ्रू क्या हो रहा है, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्लियर है, ऑक्सीजन की जरूरत थी रख लिया, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी रख लिया, बाहर क्या निकाला, जो जिसकी आवश्यकता नहीं थी, CO2 बाहर निकाल दिया, साथ साथ में एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकाल दिया। ठीक है, कैसे बाहर निकाला CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट, ऑस्क्यूलम से बाहर निकाल दिया। तो ऑस्क्यूलम से वाटर CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट को लेकर निकल जाएगा बाहर। तो ऐसे हमने इस ऑस्क्यूलम से क्या बाहर निकाल दिया, ऑस्क्यूलम से बाहर निकला पानी, पानी के साथ में निकल गया CO2 एंड एक्सक्रीटरी
वेस्ट, ये चीजें हमने इसमें से बाहर निकाल दी। क्लियर? एक भी चीज एनसीईआरटी से बाहर नहीं बताई है मैंने, सारी चीजें आपको एनसीईआरटी की ही बताई है। ठीक है, बस ये किया है मैंने कि आपके एनिमल किंगडम का थोड़ा सा काम मैंने आसान कर दिया है ना। तो देखो यहाँ पर पॉरीफेरा में एग्जाम्पल है साइकॉन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। इस ऑर्गेनिज्म में बॉडी के सरफेस के ऊपर छोटे पोर्स प्रेजेंट है जो पानी लेकर आएंगे, पानी के साथ साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेकर आएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों पहुंचे स्पॉन्जोसील में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा। यहां पर ऑक्सीजन रख लिया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स रख लिए जाएंगे, ऑक्सीजन के बदले में बाहर दिया जाएगा CO2, न्यूट्रिएंट्स के बदले में बाहर दिया जाएगा एक्सक्रीटरी वेस्ट जो कि बाहर निकल जाएगा थ्रू ऑस्क्यूलम। क्लियर है? सच टाइप ऑफ सिस्टम, सच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट सिस्टम इज कॉल्ड एज वॉटर कैनाल सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? दिस इज कॉल्ड एज वॉटर कैनाल सिस्टम। तो पॉरीफेरा में वॉटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है और इस वॉटर कैनाल सिस्टम में एक कैविटी का इन्वॉल्वमेंट होता है और उस कैविटी का नाम क्या है? दैट कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। बोलो मेरे साथ में, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। क्लियर है? देख लिया ये अपन ने, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगला फाइलम कौन सा होगा? नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा। कौन सा अगला फाइलम? सिलेंट्रेटा। एग्जाम्पल बताओ सिलेंट्रेटा के। एक एग्जाम्पल है हाइड्रा, दूसरा एग्जाम्पल है एडेम्शिया, तीसरा एग्जाम्पल है ऑरेलिया। हाइड्रा, एडेम्शिया, ऑरेलिया, ये तीन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब यहां क्या हो रहा है इस ऑर्गेनिज्म में? देखो इस ऑर्गेनिज्म का बॉडी शेप कुछ इस तरीके का अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, सींग जैसे स्ट्रक्चर इसके हेड पर पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है टेंटिकल्स। क्या कहा जाता है इसे? टेंटिकल्स कहा जाता है। ठीक, फिर इसके पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दी माउथ। क्या बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को? माउथ। माउथ के थ्रू अंदर आएंगी कुछ चीजें। क्या अंदर आ रहा है? वॉटर। क्या लेकर आ रहा है वॉटर अंदर? वॉटर लेकर आ रहा है ऑक्सीजन और साथ में लेकर आ रहा है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आई, न्यूट्रिएंट्स अंदर आए। ठीक, सारी चीजें अंदर आ गई। कहाँ आ गई? इस कैविटी में। कैविटी का नाम क्या है? गैस्ट्रोसील। ठीक है, सिलेंट्रेटा में भी ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है? कैविटी के थ्रू। कैविटी का नाम क्या है बच्चों? गैस्ट्रोसील। तो यहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों आ गए कैविटी के अंदर। ऑक्सीजन की जरूरत होती है, रख लिया। न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो भी रख लिया। ऑक्सीजन के बदले में क्या प्रोड्यूस होगा बोलो? CO2। न्यूट्रिएंट्स के बदले में क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, तो अब बाहर क्या निकाल देंगे? यहां पर इसी ओपनिंग के थ्रू, इसी सेम ओपनिंग के थ्रू पानी बाहर जाएगा। पानी बाहर क्या लेकर जाएगा? CO2 और साथ में क्या लेकर जाएगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट। क्लियर है? तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन सिलेंट्रेट थ्रू अ कैविटी एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रोसील बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैस्ट्रोसील। क्लियर है बच्चों ये? ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा फाइलम है दैट इज कॉल्ड एज स्टीनोफोरा। कौन सा फाइलम होता है हमारा? स्टीनोफोरा। तो स्टीनोफोरा बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कैसा ऑर्गेनिज्म है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सिलेंट्रेटा का भाई है। यहां पर इसका बॉडी का सरफेस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? बॉडी का सरफेस। बॉडी के सरफेस से वॉटर अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अंदर आ जाएगा और CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो भी बॉडी के सरफेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर अबाउट द फाइलम एनिलिडा। किसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको? एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है एनिलिडा का अर्थवर्म, दूसरा एग्जाम्पल है नेरीज। ये कुछ एग्जाम्पल्स है एनिलिड्स के। एनिलिड्स हैव क्लोज्ड
सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों? इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दीज आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, दीज आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव दिस एडवांस्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपैरिजन में एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम माना जाता है। क्या माना जाता है? एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है बच्चों? ठीक, नेक्स्ट देखें आप अपन। यस, अगली चीज कौन सी है इसमें? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं एंड आर्थ्रोपोडा है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आर्थ्रोपोडा में? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। आर्थ्रोपोडा के बाद में नेक्स्ट वाला फाइलम कौन सा होता है? मोलस्का। मोलस्का में भी जनरली कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? ओपन। अगला फाइलम कौन सा होगा बच्चों? इकाइनोडर्मेटा। कौन सा फाइलम? इकाइनोडर्मेटा। नो स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम। इस ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि इस ऑर्गेनिज्म में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें? वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद इकाइनोडर्मेटा के बाद में कौन सा फाइलम आएगा? हेमीकॉर्डेटा। कौन सा फाइलम होगा? हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा में भी कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर लास्ट में हम बात करते हैं किसकी? कॉर्डेटा की। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्डेटा की। अब कॉर्डेट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर वर्टिब्रेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम कॉर्डेट्स में? वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है बच्चों वर्टिब्रेट्स में? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। एंड दिस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये? दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उतना एडवांस कंसिडर नहीं किया जाता है जितना क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस में कंसिडर किया जाता है। क्लियर? क्योंकि उसके कुछ बेनिफिट्स है बच्चों उसके ऊपर, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस है, इसीलिए तो हम में सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा बेटर है, एफिशिएंट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर अदर पर्पसेस। और बाकी जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां ये उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलिए। अब हमारी बॉडी में हमने बोल दिया कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में एडवांस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है वर्टिब्रेट्स में? एडवांस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एडवांस के साथ साथ हमने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनवर्टिब्रेट्स में कैसा था? सिंपलर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट था। ठीक है, एंड दिस सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस कंसिस्टेड ऑफ बॉडी फ्लूइड। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड जो प्रेजेंट है वो कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। एक बॉडी फ्लूइड है ब्लड, और दूसरा बॉडी फ्लूइड कौन सा है? लिम्फ। कौन से दो टाइप के बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है बच्चों? ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि ब्लड किस प्रकार का बॉडी फ्लूइड है, क्या काम करता है, कैसा है। ठीक है, आइए तो अब हम इसकी डिटेल्ड स्टडी देखते हैं अबाउट द ब्लड एंड लिम्फ। ठीक, तो फर्स्ट बॉडी फ्लूइड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पर फर्स्ट बॉडी फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लड। थोड़ा सा एक स्लाइट डिटेल में जाऊंगी मैं ब्लड के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलो देखो, ब्लड, दिस इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू।
क्या है ब्लड, ये दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्यों बोला है स्पेशल, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का है, तो फ्लूइड नेचर का है इसीलिए इसको क्या कहेंगे अपन, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहा जाएगा इसे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड है इसलिए स्पेशल है, स्पेशल क्यों बोला, क्योंकि फ्लूइड नेचर का है। तो क्या जनरली कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड नेचर के नहीं होते, नहीं होते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू जनरली फ्लूइड नेचर के नहीं होते हैं, ब्लड फ्लूइड नेचर का है इसीलिए हमने इसे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहा है। ठीक है, अब एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, दिस ब्लड इज कॉल्ड एज द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है इसे, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू हमने क्यों कहा है इसे, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू हमने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर फाइबर्स इस ब्लड में एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं, ब्लड में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। तो फाइबर क्या होता है, कहाँ से आए हैं ये फाइबर्स, देखो जनरली कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टेड ऑफ, जो हमारे जनरल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें क्या चीजें प्रेजेंट होती है, उनमें सेल प्रेजेंट होना चाहिए, एक फ्लूइड होना चाहिए जिसे अपन कहते हैं मैट्रिक्स, और प्रेजेंट होना चाहिए क्या, फाइबर। मतलब जो अपने जनरल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें सेल मैट्रिक्स और फाइबर का प्रेजेंट होना जरूरी है, पर ब्लड एक ऐसा अनोखा कनेक्टिव टिश्यू है कि जिसमें सेल तो है मैट्रिक्स भी है पर इसके अंदर फाइबर नहीं है। क्या है, इसके अंदर सेल है मैट्रिक्स है पर फाइबर इसके अंदर नहीं है, तो फाइबर नहीं है इसलिए हमने क्या बोला इसको, दिस इज अ टाइप ऑफ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, अब कुछ जनरल पॉइंट्स बता देती हूं मैं आपको इसमें, स्टडी ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड एज हिमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है इसको, हिमेटोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। बच्चों ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोपोएसिस। ब्लड के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, हीमोपोएसिस कहा जाता है। ठीक है, अब कहां बनता है ब्लड, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस की लोकेशन क्या है, हीमोपोएसिस की लोकेशन है बोन मैरो। कहां बनती है, कहां बनता है ब्लड हमारा, बोन मैरो में बनता है। देयरफोर बोन मैरो इज कॉल्ड एज हिमेटोपोएटिक ऑर्गन। बोन मैरो को क्या कहा जाता है, दिस इज अ हिमेटोपोएटिक ऑर्गन, मतलब ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड का फॉर्मेशन कर रहा है, और कौन सा ऑर्गन है वो, बोन मैरो, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, किसी भी एक हेल्दी इंडिविजुअल में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 liters, कितना होता है 5 to 6 liters। नेक्स्ट pH ऑफ ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन, कैसा होता है ब्लड का pH, स्लाइटली एल्कलाइन, तो स्लाइटली एल्कलाइन में कितना 7.4, कितना होता है ब्लड का pH 7.4। ठीक है, 7.4 दिस इज कॉल्ड एज दी स्लाइटली एल्कलाइन। तो ये ब्लड के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है बच्चों जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो ये बेसिक तो आपको आना चाहिए, है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर ब्लड का कॉम्पोजिशन। ठीक है, नोट कर लिया फटाफट आपने, चलिए नेक्स्ट लेट स्टार्ट विद दी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड।
कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक, चलो देखो, ब्लड को अगर हम 100% मानकर चल रहे हैं, ठीक है, तो इस ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? इस ब्लड में प्रेजेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? मैट्रिक्स, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सेल होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए और फाइबर होना चाहिए। ठीक है, सेल अभी हमने नहीं देखे, अभी मैंने आपको क्या बताया, ब्लड में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है वो ब्लड का क्या है? प्लाज्मा है। ठीक, कितना परसेंट होता है वो यहाँ पर? प्लाज्मा फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 55%। कितना बना रहा है ये? 55%। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है इसमें? नेक्स्ट चीज आती है इसमें कॉर्पस्कल्स, और कॉर्पस्कल्स आर द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। कितने सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में? ब्लड में 3 सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। कितने सेल्स होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। कितना परसेंट बनाता है ये? 45% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा कितना बना रहा है? 55%, और कॉर्पस्कल्स कितना बना रहे हैं? 45% बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने ब्लड का एक जनरल डिस्क्रिप्शन देख लिया है कि ब्लड में कितनी चीजें प्रेजेंट है, 2, प्लाज्मा एंड कॉर्पस्कल्स। अब यही जो कॉर्पस्कल्स हैं, दीज कॉर्पस्कल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन्हीं को क्या बोला जा रहा है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक, चले प्लाज्मा को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अब हम। प्लाज्मा, ठीक है, कितना परसेंटेज बना रहा है? 55%। देखो, प्लाज्मा जो है फ्लूइड नेचर है, ठीक है, पानी, जो ब्लड का पानी वाला पोर्शन है ना, उस पानी वाले पोर्शन को अपन क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा। ठीक, कलर क्या है इसका? पेल येलो, हल्का पीला, और इसी को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉ कलर्ड। पेल येलो, हल्का पीला या फिर स्ट्रॉ कलर्ड हम कह रहे हैं। ठीक, प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन अगर हम देखते हैं तो प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? देखें, कॉम्पोजिशन में क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले तो हमने कहा वाटर। क्या प्रेजेंट है इसमें? वाटर 92%। ठीक, 90 से लेकर 92%, 55% का 90 to 92% क्या प्रेजेंट है इसमें? वाटर, मतलब वाटर इज मोस्ट अबंडेंट इन प्लाज्मा। ठीक, इसके अलावा प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में? न्यूट्रिएंट्स। ठीक, अब न्यूट्रिएंट्स जो इस प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें प्लाज्मा में प्रेजेंट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये अपन ने वाटर देख लिया, ये न्यूट्रिएंट्स देख लिया, अब क्या देख रहे हैं अपन? प्लाज्मा में प्रेजेंट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? जनरली ग्लूकोज के फॉर्म में, क्योंकि कोई भी फूड जो हम लेते हैं अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म्स, और कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बच्चों? ग्लूकोज। ठीक, तो प्लाज्मा में जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में फॉर एग्जांपल अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक, इसके अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? फैट, या फिर क्या प्रेजेंट होंगे? लिपिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? फैट्स और लिपिड्स। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट होते हैं इसमें प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अब ये प्रोटीन्स
प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, देयरफोर दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन्स। कहाँ प्रेजेंट है ये? प्लाज्मा में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स कहा जाता है। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स? प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन? 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फाइब्रिनोजन। सेकेंड वाला जो है इसे कहा जाता है एल्ब्यूमिन। थर्ड वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, दीज आर दी 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स। फाइब्रिनोजन किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। किसमें हेल्प कर रहा है ये? ब्लड की क्लॉटिंग में। हमें इंजरी हुई, इंजरी होने पर ब्लड बाहर आएगा हमारी बॉडी से, ठीक है? तो ब्लड क्या बाहर आता ही रहता है कंटिन्यूअसली? नहीं, रुक जाता है। रोकने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या हमें? नहीं, अपने आप रुक जाता है वो। थोड़ा 2-4 मिनट जो है वो ब्लड अपनी बॉडी से बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद में इंजरी के 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर अंदर हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो हमने कुछ किया नहीं उसके लिए, अपने आप हुआ ये। अपने आप कैसे होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाते हैं, ठीक है? उन फैक्टर्स में से, उन प्रोटीन्स में से एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन मैंने आपको बताया है, दैट इज कॉल्ड एज दी फाइब्रिनोजन। फर्दर हम ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि फाइब्रिनोजन क्या है। प्लाज्मा में प्रेजेंट एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट वाला कौन सा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का वाटर होल्डिंग प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है ये? वाटर होल्डिंग प्रोटीन। जहां एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, बांध के रखता है वो वाटर को, बिल्कुल छोड़ता नहीं है वो, ठीक है? तो ये क्या करता है? वाटर को बांध के रखता है, होल्ड करके रखता है टाइटली। मतलब किसी सेल के अंदर एल्ब्यूमिन है तो श्योरिटी है कि वहां पानी तो होगा ही होगा। और एल्ब्यूमिन अगर उस सेल में से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? पानी भी वहां से बाहर निकल जाएगा। तो मतलब एल्ब्यूमिन वो चीज है जिसने हमारे प्लाज्मा में वाटर को होल्ड करके रखा है, बाइंड करके रखा है कि छोड़ूंगा नहीं मैं, है ना? तो यहाँ पर एल्ब्यूमिन वाटर होल्डिंग प्रोटीन है। और ये क्या करता है? इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या कर रहा है ये? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है? ये हमने देख लिया एल्ब्यूमिन का फंक्शन। नेक्स्ट ग्लोब्यूलिंस। अब ग्लोब्यूलिंस देखो, इनको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या बोला जाता है इनको? दीज आर टेक्निकली कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। घर का भी नाम है इनका। इम्यूनोग्लोब्यूलिन को टेक्निकली तो हमने बोल दिया, पर घर का नाम क्या है इसका? एंटीबॉडी। आप क्या बुलाते हो इसको? एंटीबॉडी, ठीक है? मैं क्या बोलती हूँ इसको? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एनसीईआरटी क्या कहती है इसी को? ग्लोब्यूलिंस। तो ग्लोब्यूलिंस आर दी प्रोटीन्स। और यहाँ अपन कौन से ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं? यहाँ हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जिस इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन को आप प्यार से एंटीबॉडी बोलते हो, ठीक है? अब ये किसमें हेल्प करती है? दिस हेल्प्स इन डिफेंस। किसमें हेल्प कर रही है ये? डिफेंस में। डिफेंस मतलब क्या है? प्रतिरक्षा, ठीक है? एंटीजन को अंदर आने से नहीं रोकती है, ठीक है? मैंने क्या बोला? डिफेंस। जैसे हमारी डिफेंस एकेडमीज होती है या फिर हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम है, ठीक है? तो डिफेंस वाले लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं, धड़ाधड़ लड़ेंगे वो, ठीक है? ये भी क्या करता है? लड़ता है अपनी बॉडी में, ये रोकता नहीं है एंटीजन को अंदर आने से। तुमने तो पानी पूरी खा ली और एंटीजन को अपनी बॉडी में लेकर आ गए, आपने तो अपना काम कर दिया। अब बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बचाना, ठीक है? तो बॉडी कैसे बचाएगी आपको? बॉडी बचाती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो ये क्या कर रहे हैं? ये फाइट कर रहे हैं आपके एंटीजन से, डिफेंस में हेल्प करते हैं। आप यहाँ प्रोटेक्शन नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे उसको? इट हेल्प्स इन डिफेंस, ठीक है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। जो आपकी बॉडी में आपके शत्रु आ गए हैं, उन शत्रुओं को ये मार देगा, खत्म कर देगा, ठीक है? तो ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन की हम बात कर रहे हैं।
जिसे आप एंटीबॉडी कहते हो, और ये एंटीबॉडी हमें डिफेंस में हेल्प करती है। कितने प्रकार की एंटीबॉडी होती है? ये एंटीबॉडी होती है 5 प्रकार की, IgG, IgA, IgM, IgG, IgE। प्लीज बच्चों इसे यहाँ याद कर लो कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कितने प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं? 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, गैमडी। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो याद कर लो। मैं तो गैमडी के नाम से याद करती हूँ और करवाती भी हूँ। ठीक है, गैमडी, क्लियर है? तो ये हमने देखा अबाउट दी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। ठीक, अब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बाद में हम एक चीज और देख लें इसमें, इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से प्रेजेंट होंगे? इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या प्रेजेंट होंगे बताओ? यहां प्रेजेंट होंगे आयंस। कौन से आयंस होंगे? सोडियम। नमक खाते हैं हम, सोडियम है, क्लोराइड है, HCO3 नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सारी चीजें, इन सबको हमने क्या बोला? दीज आर दी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और आयंस फाउंड इन प्लाज्मा। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक, अब और सोचो थोड़ा सा, क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? देखो, अब प्लाज्मा जो है वो कुछ गैसेस भी कैरी करता है। ठीक, तो प्लाज्मा ऑल्सो हैज सम गैसेस। कौन सी गैसेस प्रेजेंट होंगी इसमें? ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन और CO2 किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? दीज आर प्रेजेंट इन दी डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, गैसेस इसमें कौन सी प्रेजेंट होगी? ऑक्सीजन और CO2। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होगी इसमें गैस। ठीक है, से एज ऑक्सीजन 3% होगा और कार्बन डाइऑक्साइड 7% होगा। कहां से बताया मैंने ये आपको? याद करो पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था अबाउट दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, बताया था उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया था 97% किससे होगा? हीमोग्लोबिन से। बचा हुआ 3% आप किससे कर रहे थे? प्लाज्मा से होगा ना, प्लाज्मा में। तो कितना होगा ऑक्सीजन यहाँ पर? 3% होगा। और याद करो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 70% किससे करवाया था? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। 20-25% किससे करवाया था? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। बचा हुआ 7% किससे करवाया था? प्लाज्मा से। वहां याद करवाया था मैंने आपको, प्लाज्मा से अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगा, तो CO2 कितना परसेंट होगा यहाँ पर? 7% CO2 विल बी प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड 3% ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। आया याद? ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स की हमने बात देख ली। ठीक है, अब बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट भी तो बनेगा। ठीक है, उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ेगा। किडनी तक तो उसको बाहर निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट करोगे ना, किसके थ्रू करोगे एक्सक्रीटरी वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन? प्लाज्मा के थ्रू करेंगे। ठीक है, और क्या चीजें प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में? तो हमने कहा प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये कौन सा होगा? यूरिया। ठीक, और क्या प्रेजेंट हो सकता है इसमें? हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा में। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? यहाँ नेक में लोकेटेड है। क्या बनाएगी ये? थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी। क्या थायरोक्सिन अपने आप चल के जाएगा क्या? वो नहीं, ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा आपको। ट्रांसपोर्ट कैसे करवाएंगे उसको? ब्लड के थ्रू करवाएंगे। अब ब्लड में क्या RBC WBC ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी क्या? नहीं, बहते बहते जाएगा ना वो। तो बहते बहते जाने के लिए क्या चाहिए उसको? फ्लूइड चाहिए। सबसे ज्यादा फ्लूइड कौन प्रोवाइड कर रहा है ब्लड में? प्लाज्मा प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इट हैज 90-92% ऑफ वाटर। क्लियर हुआ ये हमको? ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट दैट इज द यूरिया, और साथ साथ में जो हॉर्मोन्स बनते हैं वो सारे हॉर्मोन्स भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे बच्चों? ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी थ्रू दी प्लाज्मा। क्लियर, तो मैंने आपको प्लाज्मा का पूरा कॉम्पोजिशन बता दिया है, इसे फटाफट नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे टूवर्ड्स दी RBC। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम अब देखेंगे इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़े। चलो नेक्स्ट देखना है अब हमें इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट में
सबसे पहले कौन सा? आरबीसी। आरबीसी का कलर रेड, तो मैं लिखूंगी भी इसको रेड से, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या बोलेंगे इसको अपन? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं एरिथ्रोसाइट्स। रेड कलर की सेल्स हैं ये, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? आरबीसी, या फिर इन्हें कहा गया है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक। चलिए अब आरबीसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देखें हम। आरबीसी का काउंट, काउंट मतलब संख्या कितनी है, कितनी कितनी प्रेजेंट होती है। तो आरबीसी मेल्स में होती है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। कितना? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। फीमेल्स में 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। मिलियंस में आरबीसी प्रेजेंट होती है, किसमें प्रेजेंट होती है? मिलियंस में। अब आप सोच रहे होंगे कि पर क्यूबिक मिलीमीटर क्या होता है। देखो बच्चों, पर क्यूबिक मिलीमीटर मतलब आप अपना स्केल लीजिए, छोटा वाला जिससे आप लाइन खींचते हैं, स्केल लिया आपने, उस स्केल में 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हर सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर को आप देखो, हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब आप 1 मिलीमीटर को देखो, बहुत छोटा सा है वो, ठीक है। उस 1 मिलीमीटर की डायमेंशंस का अगर अपन क्यूब बनाते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट लेने के लिए, तो वो कितना बड़ा होगा? बस इतना बड़ा। ये जो मैंने यहाँ डॉट लगाया है, सिर्फ इतना बड़ा बनेगा वो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो पर क्यूबिक मिलीमीटर में मिलियंस में आरबीसी प्रेजेंट है, दैट इज 5.5 मिलियन एंड 4.5 to 5 मिलियन। तो सबसे ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं देयरफॉर आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली सेल्स कौन सी होती हैं? दे आर आरबीसी। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक, चलो अब हम इसका साइज शेप देख लेते हैं। आरबीसी का सबसे पहले तो हम शेप देखें, कैसा शेप होता है? बाई कॉनकेव शेप होता है, ठीक है। कैसा शेप है इसका? बाई कॉनकेव शेप है। बाई कॉनकेव शेप किसका है? मेच्योर मेमेलियन आरबीसी का। किसका शेप बाई कॉनकेव है? मेच्योर मेमेलियन आरबीसी का, मतलब मैमल्स की आरबीसी का शेप कैसा है? बाई कॉनकेव। क्लियर है? बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनकी आरबीसी का शेप कैसा होगा? सर्कुलर होगा उनकी आरबीसी का शेप, ठीक है। तो मैंने बोला यहां पर अदर ऑर्गेनिजम्स आरबीसी शेप, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का आरबीसी का शेप कैसा होगा? यहां पर सर्कुलर होगा। कैसा होगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स का आरबीसी का शेप? सर्कुलर, ठीक। अब साइज क्या है आरबीसी का? साइज 7 माइक्रोमीटर। कितना साइज है आरबीसी का? 7 माइक्रोमीटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाइकॉनकेव शेप कैसा होता है और क्या होता है, कैसे बना। देखो ये मैंने बना दिया यहां पर, दिस शेप इज कॉल्ड एज बाइकॉनकेव शेप। कैसा शेप है ये? बाइकॉनकेव। एक इसका कॉनकेव पोर्शन ये है, दूसरा इसका कॉनकेव पोर्शन ये है। सच टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड एज बाइकॉनकेव शेप। क्लियर? कैसे बना है ये देखें। देखो ये हमने बना ली आरबीसी, ये आरबीसी का न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ये आरबीसी थी हमारे पास में पहले। दिस इज इमेच्योर मेमेलियन आरबीसी। क्या है ये? इमेच्योर मेमेलियन आरबीसी है, मैमल की आरबीसी है, पर ये पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुई है। अब ये इमेच्योर मेमेलियन आरबीसी में क्या हुआ? फर्दर मैचुरेशन हुआ। क्या हुआ यहां पर? मैचुरेशन। मैचुरेशन होने पर इसका जो न्यूक्लियस था वो बाहर आ गया, न्यूक्लियस इसके अंदर का बाहर आ गया। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया कि ये क्या है इसका? न्यूक्लियस बाहर आ गया। न्यूक्लियस जब इसके अंदर से बाहर आ गया तब ये आरबीसी बीच में से चिपक गई, ठीक। सर्कुलर थी,
न्यूक्लियस बाहर आ गया तो आरबीसी क्या हो गई, बीच में से पिचक गई। जब ये आरबीसी बीच में से पिचक गई न्यूक्लियस के बाहर आने की वजह से, तब इस आरबीसी का शेप कैसा हो गया, बाइकॉनकेव शेप, ठीक है। और ये कैसी हो गई, मैच्योर हो गई। इसीलिए हमने क्या बोला, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है, ठीक है। क्या कुछ हमको फायदा वायदा हुआ क्या ऐसा शेप चेंज करके, या फिर अगर सर्कुलर होती आरबीसी का शेप तो ही हमारे लिए अच्छा रहता, फायदा हुआ तभी तो हुआ ऐसा। हर चीज बिना किसी फायदे के तो नहीं होती है। यहाँ क्या फायदा हो रहा है, बाइकॉनकेव शेप के होने की वजह से, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव शेप का फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया। क्यों बढ़ाया सरफेस एरिया हमने, फॉर कीपिंग मोर हीमोग्लोबिन इनसाइड इट, उसके अंदर हमको ज्यादा हीमोग्लोबिन भरना है, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर हमें बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स भरना है, इसीलिए हमने क्या किया, न्यूक्लियस को इसके अंदर से निकाल दिया। अगर न्यूक्लियस को आप रहने देते और फिर हीमोग्लोबिन भरते तो न्यूक्लियस ने भी तो कुछ जगह घेर के रखी थी, तो जितनी जगह न्यूक्लियस ने घेर के रखी थी उतने में तो हीमोग्लोबिन आपका नहीं आ पाता। तो हीमोग्लोबिन को रखना है, इसीलिए आपने क्या किया, आरबीसी में से सारी चीजों को निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो आरबीसी कैसी हो गई, खाली हो गई आरबीसी। तो आरबीसी खाली हो गई तब हमने इसके अंदर क्या रखा, हीमोग्लोबिन रखा। क्यों रखा हीमोग्लोबिन, क्या आवश्यकता है आपको हीमोग्लोबिन को रखने की, मोर इज द हीमोग्लोबिन फॉर मोर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ज्यादा हीमोग्लोबिन आपने क्यों रखा है, ज्यादा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा है हमने, ठीक। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सिर्फ क्या न्यूक्लियस ही बाहर निकाला है क्या मैडम इसमें से, बाकी सब है क्या इसके अंदर, गोल्जी बॉडी ईआर माइटोकॉन्ड्रिया सारी चीजें रखी हुई है क्या इसके अंदर, तो क्या वो नहीं जगह घेरते होंगे। इसका भी आंसर है, आरबीसी डू नॉट कंटेन्स एनी टिपिकल सेल ऑर्गेनली, ठीक है, आरबीसी Do not contain any typical cell organelle. RBC में किसी भी प्रकार का कोई भी cell organelle नहीं है, कोई भी typical cell organelle RBC के अंदर नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, RBC is enucleated. Enucleated मतलब विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस वाली है ये, न्यूक्लियस इसमें नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो अदर सेल ऑर्गेनली, और दूसरे सेल ऑर्गेनली जो है वो भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, बट एक एक्सेप्शन है यहां पर, एक्सेप्शन क्या है, कैमल एंड लामा। देखो इन्यूक्लिएटेड आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस, और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मेमेलियन आरबीसी की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मेमेलियन आरबीसी। मैमल्स की आरबीसी कैसी होती है, इन्यूक्लिएटेड, पर ये दो मैमल्स हैं कैमल एंड लेमा, इनकी आरबीसी कैसी है, They both have nucleated RBC. Exception है ये, इन दोनों की RBC में nucleus present होता है। Clear है बच्चों इतना, ठीक है। चलिए अब RBC के अंदर हमने hemoglobin को fill कर दिया है, कितना hemoglobin present होता है, Each 100 ml of blood consisted of 12 to 16 grams of hemoglobin, हर 100 ml of blood में
कितना हीमोग्लोबिन होता है, 12 टू 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आप कहते हो ना 10 हीमोग्लोबिन है, 11 है, 12 है, कहां किधर है वो? 12 टू 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होता है ये, क्लियर है? ठीक, फिर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, दिस इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? इरिथ्रोपोएसिस। कहां होता है इरिथ्रोपोएसिस? बोन मैरो में होता है, क्योंकि पूरा ब्लड बोन मैरो में बन रहा है, तो इरिथ्रोपोएसिस भी कहां होगा बच्चों? बोन मैरो में। ठीक, नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, कंप्लीट करने के बाद में कहां पहुंच जाती है? रीच टू स्प्लीन। स्प्लीन में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी अपने 120 दिन पूरी करने के बाद में डिस्ट्रक्ट हो जाती है। कहां जाके डिस्ट्रक्ट हो रही है वो? स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रक्ट हो रही है। देयरफॉर स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोला जाता है स्प्लीन को? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्लियर है? ठीक, फंक्शंस देख लें अब हम आरबीसी के। क्या फंक्शन है आरबीसी के? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसमें हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस? ऑक्सीजन एंड CO2, क्लियर है? ठीक, तो बच्चों ये हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर प्लाज्मा और आरबीसी। ठीक, कल मैं आपको बताऊंगी अबाउट दी WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक, टिल देन अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। गुड लक।